पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया की एक प्रिंटिंग प्रेस में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने के बाद दमकल विभाग की टीम ने कूलिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस आग में एक कर्मचारी की दम घुटने से मौत हो गई है। आइए सुनते हैं दमकल अधिकारी ने क्या कुछ कहा। सर क्या कॉल मिली थी, अभी क्या स्थिति है? कॉल मॉर्निंग जब मिली, हमारी जो गाड़ियाँ जो है ग्राउंड भी कई स्टेशनों से आई गाड़ियाँ, और आने के बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया। इनिशियली फायर जो है बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर लगी हुई थी, जो मतलब जो है फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर को भी जो है अपनी चपेट में ले लिया, और पूरी बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड और टू फ्लोर की बिल्डिंग है, पूरी सेटबैक जो है पूरा नहीं, इन्होंने पूरी जो है फुली कवर्ड है बिल्डिंग चारों तरफ से, नहीं इसलिए आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं, बाहर से आग नहीं पूछ सकते, तो उसमें आग बुझाई गई है और अभी कम्प्लीट जो है आग बुझ चुकी है। कूलिंग ऑपरेशन चलेगा क्योंकि जो है ये पेपर की शीट